A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and exactly your friend, your you can say that teacher, whatsoever you think about me. Basically, you know, today I have brought to you another topic, but before that, I would like to share you some of the very important things regarding English language. As you guys are very familiar that I have taught you many topics regarding English. And you must have met the most of all the videos which you must have watched. Aaj ka jo topic hai wo maine kuch different select kiya, wo different UK. Kuch aisi realities English language se related jo hamare viewers ko pata honi chahiye, student ko pata honi chahiye. To maine socha ki kyun na is pe ek video banai jaye. Kyunki kafi din se, you know, I had thought, main soch chuka tha कि मुझे जो है वो ये वीडियो ज़रूर बनानी है और काफ़ी मैंने जो है वो टाइम लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के बारे में कुछ आपको जो है वो बताया जा सके. देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ें हैं. दे आर सो मैनी थिंग्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक सो मैनी थिंग्स एंड ऑल, लाइक टेंसेस, लाइक यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब, डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो थिंग्स लाइक नरेशंस, idioms, whatsoever. There are, you know, plenty of things regarding English language or English particularly. तो आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी रियलिटीज़ के बारे में बताया जाए जिसको आप जान के ना सिर्फ जो है वो उससे फ़ायदा उठाएं बल्कि उसको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें. हमारे यहाँ ख़ास तौर से जहाँ पर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं या स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, उनको लैंग्वेज के हकाइक के बारे में इतनी आगाही नहीं होती. तो लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना ये अवेयरनेस जो मैंने ये अपना चैनल खोला हुआ है, क्या नाम है इसका, आप जैसे कि जानते हैं राह फला, इसका मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटीज़ के बारे में और हकाइक के बारे में बताया जाए और आप लोगों में अवेयरनेस को जगाया जाए कि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर नॉलेज भी दी जाए और इन्फॉर्मेशन भी दी जाए कि कौन सी चीज़ें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. तो लिहाजा यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब मी एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो एज यू कुड बी एबल टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़. अच्छा, आज का टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशल यूँ भी है क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि ये क्या है. लोग समझते हैं कि आम सी चीज़ है. आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत सिंपल से टेंस की और ये 12 टेंसेज में से नंबर 1 टेंस है. और जैसे कि आपको पता है कि टेंसेज में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल भी यही है. अगर ये अच्छा ना हो तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कभी अच्छी नहीं हो सकती. तो लिहाजा टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करूँगा. जैसे कि यू गाइज आर वेरी फेमिलियर अबाउट you have to put do and does with sentences. इसमें helping verb जो होते हैं वो do और does होते हैं और इसका जो formula होता है जिसको हम affirmative formula कहते हैं, उसमें subject plus verb और object होते हैं. पहला formula क्या होता है इसका, उसमें subject होता है plus verb होता है, verb की first form होती है और फिर object होता है. तो लिहाजा इस टेंस के बारे में जो हकाइक हैं जो मुझे बताने हैं आपको, वो कुछ यूं हैं कि आज का लेक्चर मैंने जो इस टेंस के बारे में बनाया कि आप जो भी स्पोकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, स्पोकन हो, रिटन इंग्लिश हो, यू नो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हो, कुछ भी हो, व्हाट्स एवर, जहाँ कहीं भी जाएंगे आपने जहन में एक चीज़ बिठा के रखिएगा कि ये जो फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है ये जो है ये अगर आप प्रॉपर ना सीखें, इसको आप अगर प्रॉपर तरीके से ना सीखें और इसमें मिस्टेक्स करें तो ये बहुत कहने का मकसद ये बहुत बड़ी गलती भी तसव्वुर की जाती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में गाइडलाइन देना पसंद करूँगा. वो ऐसे कि जो बात हम प्रेजेंट में करते हैं वो यूजली हम रोज़मर्रा की रूटीन्स के बारे में बताते हैं. जैसे अगर डेली रूटीन को ले लें आप, तो डेली रूटीन में हम सुबह से शाम तक का अपना जो शेड्यूल होता है या स्केड्यूल होता है वो डिफाइन कर रहे होते हैं. इसके अलावा भी रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाले इवेंट्स वाक़यात जो भी होते हैं हम प्रेजेंट में उसकी बात करते हैं.
और प्रेजेंट की ये खूबसूरती होती है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की खास तौर से, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है। आप ज़रा गौर से सुनिएगा जो पॉइंट, रेलिवेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है कि 85 या 90% इंग्लिश बोलने वाले लोग जितने भी हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलें चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हों, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 85 से लेकर 90% तक प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल होता है। यानी आप जितनी इंग्लिश बोलते हैं, जो भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें 85 और 90% तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बोला जाता है भाई। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कितना ज़्यादा एसेंशियल है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं लर्निंग करने वाले स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए, इसको प्रॉपर सीखिए। अच्छा, प्रॉपर सीखने से मुराद कैसे सीखना है आपको, थोड़ा सा मैं गाइडलाइन आपको देना चाहूँगा। इसका पहला फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बताया, एफर्मेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पहला फॉर्मूला है। और सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे, यू नो वेरी वेल, आई गो टू मार्केट, अगर ही शी आ जाता है तो ही और शी अगर आता है जुमले में, शी गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ठीक है ना, या अली गोज टू मार्केट, तो सिंगुलर के साथ आपको गो में ई एस का इजाफा करना होता है, कहीं पर जो है वो एस का इजाफा भी होता है, यू नो ही शी इट, और सिंपल एक नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ। इसी तरह आई वी डी यू के साथ वर्ब में ना तो एस का इजाफा होता है, ना आई ई एस का इजाफा होता है, ना ई एस का इजाफा होता है, क्योंकि प्लोरल है, तो प्लोरल में हम वर्ब में इन चीज़ों का इजाफा नहीं करते, ठीक है ना। तो हम बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप इंटरोगेटिव कहते हैं, इसका इंटरोगेटिव फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है, पहले यू आर गोइंग टू पुट हेल्पिंग वर्ब, देन यू आर गोइंग टू पुट सब्जेक्ट, एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड राइट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फॉर्मूला। डज शी प्ले क्रिकेट, डज शी कुक बिरयानी, डू यू गो टू मार्केट, यानी आप ये देखें कि ये इंटरोगेटिव जुमला बन गया। इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन वंस अगेन ऑब्जेक्ट, फिर ये बन जाता है नेगेटिव फॉर्मूला। शी डजंट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करती, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता, वी डोंट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते। अब देखें ये नेगेटिव फॉर्मूला बन गया। इसी तरह इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी सवालिया भी और इंकारिया भी। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड देन ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल। डज शी नॉट कुक बिरयानी, डज शी नॉट टेक द क्लास, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, देखें क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, क्या वो यू नो बिरयानी नहीं पकाती, तो ये जुमले बन गए सवालिया भी और इंकारिया भी, तो ये कहलाते हैं। अब ये देखिए चार जुमले बने, ये चार जुमले पूरे के पूरे जितने मैंने डिफाइन किए, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं। इन्फॉर्मेटिव जुमले भी इसके होते हैं, इन्फॉर्मेटिव में आप जानते हैं कि व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू गो टू, यू नो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, कैसे तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेटिव जुमले कहलाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको आज ये बताई कि 85 to 90% जो लोग भी कॉन्वर्सेशन करते हैं उनको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट जब तक परफेक्ट आपने नहीं सीखा होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। वेदर यू वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर, वेदर यू वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर और लिसनर, व्हाटसोएवर यू वांट टू बी, कुछ भी बनना है आपको, लेकिन आपको इंग्लिश में खास तौर से सिंपल प्रेजेंट को यू हैव टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट द फर्स्ट प्रायोरिटी, यू माइट नॉट बी एबल टू यू नो लर्न एनीथिंग अबाउट यू नो इंग्लिश, कुछ भी ना सीख सकें आप, क्योंकि जब सिंपल प्रेजेंट ही प्रॉपर नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। जिसने सिंपल प्रेजेंट को प्रॉपर सीखा तो इसका मतलब हो गया कि यू हैव लर्नड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी सिंपल प्रेजेंट आपको इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप ये बात जहन में रखें 85% to 90% जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं वो डिपेंड करती है सिंपल प्रेजेंट में। हर वक्त इसको बोला जाता है और हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।
तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि सिंपल प्रेजेंट की अफादियत क्या है. इसका यू नो इसका एक अपना ही वकार है, इसकी अपनी ही एक अहमियत है, इसकी अहमियत है, और इस अहमियत को हमें फुगैट नहीं करना चाहिए. वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन आवर माइंड रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, बट टेक इट सीरियसली बिकॉज सिंपल प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. द फर्स्ट टेंस, फर्स्ट टेंस की इसको जो अहमियत मिली है वो इसी वजह से मिली है. सबसे पहले क्यों फॉरेनर्स ने इसको अपने जो है वो टेंसेज में नंबर वन पे रखा, इसलिए रखा कि 85-90% इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है. डिपेंड किस पे करती है? सिंपल प्रेजेंट पे. तो आपने अपने जहन में ये सब चीज़ें रखिएगा. मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपनी फीडबैक मुझे दे सकते हैं, मुझसे सजेशन ले भी सकते हैं और मुझे दे भी सकते हैं. तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.